आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक स्वामी जी हमेशा राजा रानी की ही कहानी सुनाते हैं, मैं भी राजा की ही कहानी कहूँगी। एक राज्य का एक राजा था और राजा के कई मंत्रियों में से एक मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा को अति प्रिय था। कोई भी समस्या होती थी राजा उसी से बात करते थे और समस्याएं अक्सर हल हो जाया करती थी। तो राजा एक बार शिकार पे गया, अपने साथ अपने मंत्री को भी लेकर के गया। साथ में कुछ सैनिक शिकार करते करते घोड़े पे राजा और मंत्री दोनों काफ़ी आगे निकल गए। तो उतने में राजा के ऊपर शेर ने कहीं से आकर के जोर से हमला कर दिया। मंत्री भी वहाँ पर था, राजा और मंत्री दोनों मिल करके शेर का सामना किया। राजा तो बच गए, लेकिन राजा की जो ये छोटी उंगली होती है ना, वो शेर खा गया। अभी शेर तो मर गया, राजा भी बच गया, लेकिन राजा बहुत दुखी हो गया कि अरे मैं तो बच गया लेकिन अभी हाथ बहुत खराब दिखता है, अच्छा नहीं लगता। मंत्री बहुत समझदार था, मंत्री ने कहा महाराज भगवान जो भी करता है ना सब अच्छे के लिए करता है। तो राजा को इतना गुस्सा आया, अरे मेरी एक उंगली खा गया शेर, मेरा हाथ इतना विकृत नज़र आ रहा है और तुम कहते हो कि जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। तुम्हारा हाथ नहीं खाया है ना इसलिए, तुम्हारी उंगली खाई होती तो निश्चित रूप से तुम भी बोलते कि भगवान कैसा है। मंत्री कुछ नहीं बोला तो बोले अभी तुमने ऐसी बात कही है, तुमने बिल्कुल एक क्षण नहीं सोचा कि मैं राजा हूँ, मुझे सर्वांग सुंदर भी होना चाहिए। तो मैं इतना विकृत होने पर तुम कहते हो भगवान जो करता है अच्छे के लिए, आज से तुम बिल्कुल मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तो मंत्री बोला जैसी आज्ञा, प्रणाम किया राजा को और घर चला गया। उसके बाद में 2 महीने तक राजा के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ उसका। मंत्री अपने घर पर, राजा को दरबार में कभी कभी कमी महसूस होती थी, अच्छे इंसानों की कमी हमेशा महसूस होती है, लेकिन फिर भी गुस्सा वहीं पे बना हुआ। उसने मुझे ऐसा बोला ही कैसे कि भगवान जो करता अच्छे के लिए, अरे शेर मेरी उंगली खा गया। ऐसे ही फिर एक बार शिकार करने के लिए राजा गया जंगल में। तो अब की बार जब जंगल में गया, शिकार करते 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 राजा बहुत आगे निकल गया, उसके सैनिक पीछे रह गए। तो राजा शिकार तो नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ पर जो आदिवासी लोग थे उन लोगों को तो राजा राज्य ये सब कुछ समझ में नहीं आता था। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उन लोगों का कोई बड़ा सा फंक्शन था, कोई फेस्टिवल था, उन्हें अपने भगवान को बलि चढ़ानी थी। तो बलि चढ़ाने के लिए उन्हें ये अच्छा हृष्ट पृष्ट एकदम राजा मिल गया, तो वो उठा करके उसको अपने पुरोहित जी के पास लेके गए, चलो इसको नहलाते हैं। उसको अच्छे से नहलाया, वो आदिवासियों के कपड़े पहनाए, इधर पंख वंख लगाया, तैयार किया बलि के लिए। अभी महाराज की महाराजी वहाँ पर तो चली नहीं, वहाँ पर महाराज का कुछ चल नहीं सकता था, आदिवासियों का राज्य था। तो बलि की पूरी तैयारी हो गई, ढोल नगाड़े बजने लगे, पूरी तैयारी हो गई। राजा इतना घबरा गया कि आज तो मैं गया। पुरोहित आया और फिर उन्होंने ऊपर से नीचे तक अच्छे से निरीक्षण किया महाराज का, बोले ये किसको पकड़ के ले आए तुम? तो जो आदिवासी लोग थे बोले क्यों, एकदम हेल्दी लग रहा है, देखो इसके मसल्स कितने अच्छे हैं, एकदम परफेक्ट बलि के लिए सबसे सही इंसान। तो बोले नहीं नहीं वो सब ठीक है, लेकिन इसकी तो एक उंगली नहीं है और कोई भी खंडित अंग हो तो उसकी बलि तो चढ़ाई नहीं जा सकती। तो आदिवासी बोले अरे ये तो हमने देखा ही नहीं। तो बोले जाओ 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 इसको छोड़ दो। महाराज को उन्होंने फिर उसके कपड़े लौटाए और फिर जहाँ से पकड़ा था वहीं पे जाके छोड़ दिया। महाराज के प्राण बच गए। घर पहुँचे, उन्हें मंत्री की बहुत याद आई कि मंत्री ने सही कहा था कि अभी यदि मेरी ये उंगली साबुत होती तो निश्चित मेरी बलि चढ़ ही जानी थी, तो मैं बच गया। तो
राजा ने सोचा चलो मेरी गलती हुई है, मैंने मंत्री से, मैं बहुत नाराज रहा हूँ, चलो उसको बुला लेता हूँ। राजा ने मंत्री को बुलाया, राजा स्वयं मंत्री के घर गया, उसे क्षमा मांगी कि मैंने गलत जगह पे तुम्हें डांटा और तुम जो कहते थे वो बिल्कुल सही है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। कई बार हमें समझ में नहीं आ पाता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरे मन में एक शंका है मंत्री, बताओ तो। तो बोले क्या? तो बोले मेरी उंगली कटी, मुझे लाभ हुआ कि उन्होंने मेरी बलि नहीं चढ़ाई, लेकिन 2 महीने के लिए मैंने तुम्हें अपने राज्य से, अपने राज दरबार से बाहर कर दिया, तो इसमें भगवान ने तुम्हारा क्या अच्छा किया? तो बोले अरे महाराज बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया? बोला महाराज यदि उस वक्त आपने मुझे नहीं निकाला होता दरबार से, तो कल निश्चित रूप से मैं भी आपके साथ शिकार पे गया होता। आपकी खंडित उंगली के कारण आपको तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। तो ऐसी कई घटनाएं हम लोगों के जीवन में भी होती हैं। बुरी घटनाओं पे एक साधारण इंसान, हर व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए ही क्यों ना हो ईश्वर से रूठ जाता है, क्या भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो अब जब कभी भी कोई घटना घटित हो जाए तो इस घटना को याद करके मन में सोच लेना कि भगवान कुछ अच्छे के लिए ही होगा। तो ये एटीट्यूड हम लोगों को अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। आज हम लोगों को, हम लोग स्त्री शक्ति की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे अपने कॉलेज के समय में काका कालेलकर की लिखी हुई एक पुस्तक पढ़ी थी, गुणसुंदरी विनानो घर संसार, एकदम उसकी याद आ गई। काका कालेलकर ने एक बहुत सुंदर उपन्यास लिखा है गुणसुंदरी विनानो घर संसार, तो उसके अंदर पूरी नायिका जो है उस उपन्यास की वो है गुणसुंदरी, और उस गुणसुंदरी का नाम ही गुणसुंदरी नहीं है, वो सचमुच गुणसुंदरी है। किस तरह से वो अपने पूरे परिवार को संभालती है, बच्चों में अच्छे संस्कार देती है, पति को वो जो भी कार्य कर रहा है उसमें सही सजेशंस देती है अपने, और एक बार जब वो बीमार पड़ जाती है तो पूरा घर, यहाँ तक कि पति का व्यवसाय तक घाटे में आ जाता है। तो ये हम लोगों की रियल लाइफ में भी होता है, सिर्फ हम उसे अच्छे से महसूस नहीं कर पाते हैं। अब जो लोग बिजनेस नहीं करते, नौकरी करते हैं, वो सोचेंगे क्यों घर में वाइफ बीमार पड़ गई, पत्नी बीमार पड़ गई, तो क्या मेरी नौकरी में कोई हर्जा होने वाला है? बेशक नहीं होगा, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है, लेकिन आपकी कार्य करने की शक्ति पर निश्चित रूप से उसका परिणाम होगा। तो हम यहाँ पर इकट्ठे इसलिए नहीं हुए हैं कि हम अपनी इम्पोर्टेंस बताएं कि हम स्त्रियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन क्या हम लोग सचमुच उतने योग्य हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। सभी में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, हम लोगों में भी हैं, और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उन कमियों को कोई और हमसे कहे उससे अच्छा हम स्वयं समझ लें, और उन कमियों को जितना हो सकता है, तुरंत नहीं तो धीरे धीरे, अपनी कमियों को हम दूर करें। हम लोगों की एक जो पहला गुण होता है, सबसे पहले टेंशन करते हैं, चिंता, तो वैसे स्वामी जी का ध्यान करते करते चिंता मुक्त रहना तो कुछ कुछ सीख ही गए हैं, लेकिन फिर भी कई बहनों से बात होती है तो वो कहती हैं अक्सर कि क्या करूं, पता नहीं कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले नेगेटिव विचार आता है, बेटी स्कूल से घर नहीं पहुंची, हे भगवान क्या हो गया, ज़माना बहुत ख़राब है। बेशक ज़माना बहुत ख़राब होगा, लेकिन हमारे साथ तो हमारे स्वामी जी हैं, हमें कुछ हो ही नहीं सकता, ना हमारे परिवार को कुछ हो सकता है। पति नहीं आए, हे भगवान आजकल तो इतना एक्सीडेंट्स का सुनते, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अरे क्यों एक्सीडेंट होगा भाई, हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं इस तरह की भावना लेकर के चलें। आपको मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की एक घटना बताती हूँ कि शादी होकर के, तब मुश्किल से मेरी शादी को 1.5 साल 1.5 साल हुआ था, तो तब ये
श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी और काफ़ी माहौल भारत का ख़राब था, हर जगह कहीं भी जाओ। तो उस समय एक दिन स्वामी जी को घर आने में बहुत यानी बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो ऐसे आ जाते थे अक्सर, 7:30-8 बजे तक आ जाते थे। तो उस दिन 10:30 बज गए, 11 बज गए, नहीं आए। और मैं वैसे उपवास बहुत कम करती हूँ, लेकिन उस दिन मेरा उपवास था। मैं इंतज़ार कर रही थी कि स्वामी जी आए तो फिर खाना खाएंगे। तो 11 बज गए, रात के 11:15 हो गए, 11:30 हो गए। तो फिर मैंने सोचा, ऐसे उपवास ऐसे कहते हैं कि रात को 12 बजे से पहले ज़रूर खोल लेना चाहिए, खा लेना चाहिए खाना। तो सब घर में परेशान थे, ससुर जी ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे, सासू माँ भी राम 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 राम, हे भगवान बेटे को कुछ हो तो नहीं गया, हे भगवान क्या अभी सब इतना चल रहा है, यहाँ आग लगा रहे हैं, वहाँ बस चलाते हैं, कहाँ क्या होता है। तो बहुत इतना चिंतित वातावरण था और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। उपवास छोड़ना भी था और पता नहीं एक अंदर से ऐसी भावना थी कि स्वामी जी को कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा आ जाएंगे। तो बोले कि अरे अभी तक नहीं आया, इतनी देर हो गई। मैंने कहा नहीं, आ जाएंगे। फिर 12:45 हो गए, मैंने कहा अब तो 12:45 हो गए, मैं तो खाना खा लेती हूँ, अभी आप लोग खाओ नहीं खाओ, सभी का उपवास था। मैंने कहा अभी आप लोग खाओ नहीं खाओ, मैं तो खा लेती हूँ, 12:45 हो गए। तो मेरी सासू माँ, निश्चित रूप से वो अपनी माँ को तो बच्चों के लिए ज़्यादा होता ही है, उन्हें सबसे ज़्यादा शायद बुरा भी लगा होगा कि देखो तो बहू को बिल्कुल चिंता नहीं है, पति नहीं आया बोलते खाना खा लेती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा तो खा ही लेती हूँ, उपवास एक बार छोड़ दे, फिर ये रात को आएंगे, भले 12 बजे खाना खा लेंगे, 1 बजे खाना खाएंगे। तो उसके बाद मैं खाना खा लिया मैंने और 12:15 के आसपास स्वामी जी आ गए। तो सासू माँ ऐसे बहुत बहुत ही अच्छे स्वभाव के, मेरे तो सास ससुर दोनों बहुत अच्छे स्वभाव के। तो बोली कि मुझे ना ये तेरी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगी। तो मैंने कहा क्या? तो बोले तुझे जरा सी चिंता नहीं, देख उसके पिताजी कैसे ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे थे पूरे टाइम, उनको कितनी चिंता, थक करके आए थे फिर भी आराम भी नहीं किया, चक्कर लगा रहे थे, मैं भी राम राम और तू खाना खाना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कहाँ खाना खाना, मैंने तो 12:45 बजे खाने को याद किया था, तो क्योंकि वो 12 बजे फिर फास्ट छोड़ना था ना इसलिए। तो बोले लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, तुझे चिंता नहीं हुई, तेरा पति नहीं आया? मैंने कहा नहीं, चिंता की क्या बात है, आ ही जाएंगे ना। तो बोले अरे इतना बुरा समय चल रहा है, वो हिंदू सिख में क्या क्या दंगे हो रहे हैं और तुम कहती हो आ ही जाएंगे, क्यों कोई भगवान से कांटेक्ट है जो भगवान ने कह दिया आने ही वाले हैं? मैंने कहा नहीं वो तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जिस भगवान की बचपन से पूजा करते आए हैं तो वो मेरा इतना बड़ा दुश्मन तो हो ही नहीं सकता, तो वो मेरे साथ प्रसन्न है, स्वामी जी निश्चित रूप से घर पे आएंगे। तो जिस भगवान की पूजा करते हैं उसके ऊपर कम से कम 100% विश्वास तो रखो, श्रद्धा तो रखो, मैं इतना ही मानती हूँ। खैर वो ये बात समझ पाई या नहीं समझ पाई ईश्वर जाने, लेकिन यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, समर्पण है, जब भी पूछते हैं भगवान पे विश्वास है, हाँ तो फिर चिंता किस बात की है? नहीं चिंता तो होगी ना, अरे दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? या तो 100% विश्वास करो निश्चिंत रहो, या विश्वास मत रखो और चिंता कर लो, दोनों बातें एक साथ कभी नहीं हो सकती। तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक यही सजेशन भी देना चाहूँगी, महिलाओं को खास तौर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता महिलाओं को होती है। मैंने अपने घर में अपनी माँ से भी यही देखा है कि जब भी कोई कॉलेज से नहीं आया, थोड़ा सा खाना कुछ कुछ किया किचन में जाकर के, फिर अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। अहमदाबाद में रहते थे, बस साबरमती में रहते थे, बस से आना जाना काफ़ी टाइम लगता था। तो एक दिन दीदी को ऐसे ही लेट हो गई, तो पापा बोले मैं खिड़की से देख रहा हूँ ना, तू खाना बना, मैं चिंता कर लूँगा तेरी जगह पे। और पिताजी काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के थे, दीदी तो आ भी गई, कपड़े भी बदल लिए, आराम से खाने की थाली वाली भी लगाने लग गई, और पापा खिड़की से बाहर देख रहे हैं। मम्मी बोली क्या देख रहे? देख रहा हूँ वो आई कि नहीं आई। मम्मी बोलती क्या अभी, वो तो कब क्या करके कपड़े वपड़े बदल लिए। तो बोले अच्छा ये मेरे को उल्लू बना करके आपने मुझे किचन में भेज दिया, मुझे बोला मैं चिंता कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ खिड़की से
ये देख रहे थे आप। लेकिन फिर भी हम लोगों को ज़िंदगी में सचमुच ये एक बेकार का काम है चिंता करना, क्योंकि इन सब चीज़ों के ऊपर कभी हमारा वश न था न होगा। हम सिर्फ एक श्रद्धा रख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, और ये इतनी स्ट्रांग इच्छा होनी चाहिए कि जब भी कोई बाधित विचार, कोई ऐसा टेंशन देने वाला विचार आए तो हम उसको उतने ही स्ट्रांगली अपोज कर सकें, नहीं मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। तो ये तो थी पहली बात। अभी हम स्त्रियां हैं और मैं चाहती हूँ कि स्त्रियों को अभी क्या पहला प्रयास करना है कि घर में पति पत्नी जब दोनों ध्यान करते हैं, दोनों ही स्वामी जी को मानते हैं यदि, तो पत्नियों की पहली ड्यूटी है, पहला फ़र्ज है कि वो अपने पति को डेवलप होने दें, पति को पूरा सपोर्ट करें कि वो अच्छे से डेवलप हो सके, ध्यान के लिए एक अच्छा सा घर में माहौल रहे, तनातनी ना हो। बेशक आपका ध्यान हो सकता है उससे उतना ना हो पाए जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पहले अपने पति को डेवलप होने दीजिए। जब आपके पति डेवलप हो जाएंगे अच्छे से, ध्यान में उनकी एक अच्छी सी स्थिति हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा ही। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पे ही कह रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में तो खैर आप लोग सभी जानते हैं पहले स्वामी जी ही डेवलप हुए, मैं तो उनकी शिष्या हूँ। तो अपने घर में भी हमें यही करना है कि सबसे पहले पति को ध्यान करने की स्थिति में हम लोग जो भी हेल्प कर सकते हैं तो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि उन्हें कम से कम टेंशन दें। घर में चार बर्तन होते हैं, कुछ तो आवाज़ होगी, लेकिन वो आवाज़ यदि हम लोग उन तक ना पहुंचने दें तो सबसे अच्छा, क्योंकि ये सारे बर्तन भी स्त्री वर्ग के ही होते हैं। तो घर में सास बहू ननद जेठानी देवरानी, इसी में कहीं कुछ खड़खड़ खुड़खुड़ होता है, चलता है। ये नहीं होगा तो भी तो निर्जीव श्मशान शांति होगी, वो भी नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत आवाज़, थोड़ा वाद विवाद, थोड़ा प्यार, सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में। तो जो भी घर के टेंशन्स हैं वो जहाँ तक हो सके हम उन तक ना पहुँचने दें, या पहुँचें तो किस तरह से कि आप उनसे सजेशन मांगिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तुम क्या कर रहे हो, तो उससे बहुत टेंशन जब उनको भी हो जाएगा तो घर का माहौल तो खराब होगा ही होगा, ध्यान हो नहीं पाएगा, और जब किसी का ध्यान नहीं हो पाएगा तो घर की स्थिति और ख़राब होगी। तो अच्छा हो पहले हम पति को एक अच्छा सा माहौल दें, उससे वो डेवलप कर लें खुद को। और साथ साथ यहाँ पे भी भाई बैठे ही हैं, सुबह भी बताया था स्वामी जी भी इत्तफाकन वही बात बोले, तो निश्चित रूप से वो लोग भी घर पे आप लोगों का मनोबल बढ़ाने में अवश्य सहायता करेंगे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड subscribe.